देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं मदन लाल और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज। सूरतगढ़ सर्व समाज समानता समिति की बनाई रणनीति के तहत आज एससी एसटी एक्ट के विरोध में 23 सितंबर को होने वाले देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को लेकर उपखंड अधिकारी सीता शर्मा को ज्ञापन सौंपा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। इसी क्रम में समिति द्वारा शहर में डोर टू डोर अलग अलग टोलियां बनाकर नुक्कड़ सभाएं की जा रही है। ज्ञापन देने में जनता मोर्चा के ओम राज पुरोहित ब्राह्मण, महासभा के गोपीराम शर्मा, वस्त्र विक्रेता संघ के राजकुमार छाबड़ा, सिंकत व्यापार संघ के ज्ञान बजाज, महेश्वरी समाज के नरेंद्र राठी, विश्व हिंदू परिषद के नवनीत मुंजाल, सूरतगढ़ बचाओ संघर्ष समिति के पवन सिडाना, हंसराज स्वामी, राजकुमार गिरी, प्रशांत पारेख, संजय छाबड़ा, गौरव बलाना, राम मुंडा, कपिल गुप्ता, राधेश्याम उपाध्याय, अवतार सिंह, भारत भूषण, पार्षद लक्ष्मण सिंह शेखावत, राघव गुप्ता, विनोद सारस्वत आदि बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग शामिल थे। सूरतगढ़ से पवन सिडाना के साथ पीएन योगी की रिपोर्ट। हमारे अध्यक्ष जी और पूरे समाज समानता समिति के सदस्य, हम जो एस सी एस टी कानून बनाया सरकार ने उसके खिलाफ जेल का आंदोलन कर रहे हैं। आपको सूचना प्रतिनिधि के लिए मैं आपको निवेदन करता हूं 23 तारीख को 9 बजे समग्र रूप से संगठित होकर और आप सरकार को हमारा संदेश भेजें कि आप इस कानून का विरोध रद्द करें, वरना इसका और कोई विरोध नहीं होगा। जिस समय में हमारे देश के अगुवा नेताओं का आदेश मिलेगा हम पूरा सूत्र करेंगे। ये सारे समाज के अध्यक्ष हैं, सिंह व्यापार सिंह है, ब्राह्मण महासभा है, अग्रवाल समाज है, अग्रवाल समाज है, जितने भी समाज है एस सी एस टी जो कानून किया है वो हमारे अधिकार मानना है, अध्य बदल अधिकार मानना है। आप मेरी बात को इसका उत्तर देना चाहिए। सोमवार को इस पर